सिरुल डालिया के लेटेस्ट एपिसोड में जैसा कि आपने देखा ही होगा किस तरह से तेजो को फंसाती हुई नजर आती है जैस्मिन। अब तक वो तेजो को नुकसान पहुंचा रही थी, इस बार खुद को विक्टिम बनाकर पेश करती है और सभी की नजरों में तेजो को गिराने की कोशिश करती है। जिस तरह से वो तेजो को झूठ बोलकर रोड पर लेके जाती है और कहती है कि फतेह रोड के उस पार खड़ा है, ऐसे में आप देखेंगे किस तरह से तेजो एक बार फिर से फंसती हुई नजर आएगी जैस्मिन की चाल में। वहीं आपने देखा ही होगा जिस वक्त आइसक्रीम खाने की तेजो जिद कर रही होती है आइसक्रीम पार्लर पर, तेजो और जैस्मिन को दो लोग मिलते हैं जो अच्छी तरह से जानते होते हैं तेजो को भी और साथ ही साथ जैस्मिन को। वो तेजो को तो मैम कहते हैं लेकिन जैस्मिन को जैस्मिन कहते हैं। वो वहाँ खड़े हुए ये सब देख रहे होते हैं कि किस तरह से जैस्मिन ने चाल चलते हुए खुद को गिरा लिया और उसका नाम तेजो पर लगा दिया। वहीं आने वाले सीरियल की अपडेट में जिस वक्त फतेह इस बात की तफ्तीश करेगा और इसकी जड़ में जाएगा तो उसे पता चलेगा कि दरअसल सारी की सारी गलती जैस्मिन की थी। जैस्मिन अच्छा बनने का नाटक कर रही है। इस पर फतेह फटकार लगाता हुआ नजर आएगा कि जब उसने मना किया था कि तेजो को उसके अलावा कोई बाहर नहीं लेकर जाएगा तो आखिर जैस्मिन क्यों तेजो को बाहर लेकर गई और वो भी घर वालों को बिना बताए। बल इसके बाद क्या होगा यह देखना इंटरेस्टिंग होगा।